फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने अपने वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो और भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। किसी भी अगर टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, और नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके विवेक पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप डेली यूज में आजकल कंप्यूटर भी यूज करते हैं और मोबाइल से भी कुछ बहुत से क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं मोबाइल से भी। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको सभी को पता होगा, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कि इस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती हैं। कौन से समूह में है? माउस में, कीबोर्ड में और स्कैनर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीनू में रिक्त स्थान है कि सूची होती है। किसकी सूची होती है मीनू में? कमांड्स की सूची होती है। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आउटपुट क्या होता है? तो क्या होता है? वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है। आउटपुट इनपुट आपको क्लियर होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है। क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं होते हैं। देखिए, ये देखिए, आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से लेता है, वह जो प्रोसेसर को देता है, तो ये इसे कंफ्यूज कर देते हैं। और एग्जाम में कोई क्या होता है, हमें टाइम के रहते रहते क्वेश्चन को सोल्व भी करने होते हैं, तो हम हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ी में गलती कर जाते हैं। तो सीधा सा को होता है कि वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, लेकिन जो ये ऑप्शन जब देखते हैं तो कंफ्यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ कंफ्यूज किया जाता है और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरर को क्या कहते हैं? डैग। और अब अगर आप देखेंगे तो डी बैग, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये बस कंफ्यूज करने वाले होते हैं, एरर को हम कहते हैं बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? तो वो बूटिंग करती है। ध्यान से देखिए, बूटिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य ईमेल को आमतौर पर क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, कौन प्रोसेस करता है? कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट इंडेक्स एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास वेब ब्राउजर को पहचानता है। क्या क्वेश्चन है? वेबसाइट इंडेक्स एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास को पहचानता है, वो कौन सा है? वेब ब्राउजर। तो क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। देखिए, वेब ब्राउजर आंसर है इसका, और देखिए वेबसाइट, अगर आपने नहीं पढ़ा होता है तो वेबसाइट कर कर आएंगे आप, तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिवाइस केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है कि जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना है और उसे फिर गलतियों को ठीक करना है। तो देखिए, इनसे मिलते जुलते ही आंसर होते हैं, ऑप्शन में आपको सही करना होता है, तो ध्यान से देख लीजिए इनको। आपके क्वेश्चन जो एक बार आपके नज़र में निकले हुए भी होते हैं ना, तो आप उसका सही कर सकते हैं, और अगर आपने देखे नहीं हैं तो आप उसे देखेंगे कि उसे प्रिंट करना, उसे सेव करना, सभी को पढ़ेंगे और कंफ्यूज होकर गलत कर कर आएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, चलिए, आप इंटरनेट से क्या समझते हैं? इंटरनेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं इससे, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व से में सर्वर से जुड़ सक जाते हैं, तो ये सभी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के
निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, वो कौन से हैं? फॉर्म एड डेट, फॉर्म एड एंड डेट। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको अगर याद भी नहीं रहेंगे ना तो आप कर सकते हैं इनको, अगर आपने ध्यान से देखा तो। और क्वेश्चन जो होते हैं वो आए हुए में से निकल कर आते हैं, और अगर आपने एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया ना तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उस दिमाग लगाकर कर पाएंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो आंसर है इसका डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा फाइल नेम, फाइल नेम देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं कंफ्यूज करने वाले होते हैं, और आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं भाई, डाटा स्टोर कर रहे हैं तो डाटा भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा कि डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं फाइल नेम। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको तो पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद का चिन्ह लिखता है, कुछ चिन्ह लिखता है। अपने आजकल तो फ़ोन जैसे आ गए हैं, सभी अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, तो आपको पता ही होगा। आप इनको ऑप्शनों को देखकर ये तो राइट कर ही देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट आंसर इसका होगा कि एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूज़र आईडी और उसके बाद एक आज फर्स्ट आंसर होगा इसका, इस चिन्ह का प्रयोग करता है, मेल सर्वर का नाम होता है वो ये होता है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम और आउट को फंक्शन कुंजियां कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कुंजियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइल का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेशन से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है। आपने देखा होगा 30-40 मिनट का वीडियो जो होता है उसे छोटा कर कर दिखला दिया जाता है, कई बार होता है ऐसा तो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है तो उसमें कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वीडियो की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस ये क्वेश्चन ये है कि फाइल का साइज सिकुड़ जाता है किससे, कंप्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट को दक्षता में मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नंबर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।